हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एच आर ट्यूब चैनल। तो आज हम इस टैब में, रेडमी टैब में स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो है एलाइज ब्रॉडबैंड, जिसमें मैंने पैक डलवा रखा है 472 रुपीज़ का। तो सबसे पहले मैं इस टैब में करने से पहले अपने एक डिवाइस में यही टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम टैब में करेंगे। तो मेरे पास है ये रेडमी नोट 4 का डिवाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। इसमें स्पीड दिखा रहा है 42 Mbps का। मैंने कई बार इसमें टेस्ट करके देखा भी है, तो स्पीड 40 से 45 के बीच में ही रहता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब हम यही टेस्ट को अपने टैब में कर लेते हैं। तो अब हम यही टेस्ट को अपने टैब में ट्राई करके देखेंगे। तो हम चले जाते हैं क्रोम पर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 41 Mbps का, मतलब 40 से 45 के बीच में ही रहता है। इसमें भी सेम ही चीज़ है। हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कितना स्पीड आता है। अब आया है 40। तो हम एक फाइल को डाउनलोड करके देखेंगे, 1 GB तक का फाइल है ये, देखते हैं कितने देर में डाउनलोड होता है। अभी बजा है 4:04 PM और ये फाइल है 1.32 GB का, और स्पीड आपको दिखा है 6.9 MB। अब देखते हैं ये फाइल कितनी देर में डाउनलोड होता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख ही सकते हैं, मेरा फाइल जो है वो डाउनलोड हो ही चुका है लगभग। तो 1.32 GB का फाइल डाउनलोड होने में अभी आप समय भी देख लीजिए, कम से कम 4 या 5 मिनट तक लगता है। मुझे लगता है ये अगर मैं सुबह करता तो स्पीड सुबह थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो और भी समय कम लगता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।